हेलो दोस्तों, ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंगल स्टॉक वर्टिकल गॉथिक लेटर लिखने का तरीका बताऊंगा। ए से हम जेड तक लेटर को लिखेंगे और हमने जो लिखने के लिए हाइट लिया है वो 35 mm है और हमने जो रेशियो लिया है वो 7:4 है। गॉथिक लेटरिंग को लिखने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या है और वो कैसे वर्क करता है। गॉथिक अक्षरांकन वे अक्षर जिनमें एक जैसी चौड़ाई तथा मोटाई में बनाए जाते हैं उन्हें गॉथिक अक्षरांकन कहते हैं। गॉथिक अक्षरांकन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल होता है और उसके बाद जो है इंक्लाइन या इटैलिक। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों कैपिटल और स्मॉल लेटर, ये दोनों को यानी कि वर्टिकल लेटर और इंक्लाइन लेटर हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। इसे सिंगल स्ट्रोक में भी लिख सकते हैं और डबल स्ट्रोक में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आज जो हम लिखेंगे गॉथिक लेटर को वो सिंगल स्ट्रोक में लिखेंगे और वर्टिकल में लिखेंगे। गॉथिक लेटरिंग में लिखने के लिए सबसे पहले हमें बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स को जो है तीन प्रकार से बनाया जाता है, एक स्केल से, सेट स्क्वायर से और मिनी ड्राफ्टर से। आपके पास जो है उसका प्रयोग करके आप बॉक्स को बना सकते हैं। और बॉक्स कैसे बनाना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं जो बनाऊंगा वो स्केल की मदद से बनाऊंगा। उसके बाद उसमें सिंगल स्ट्रोक में जो है लेटर को लिखूंगा ए से जेड तक। चलिए बॉक्स कैसे बनाते हैं उसे देख लेते हैं। बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन को ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल से, और हमने जो हाइट लिया है 35 mm, तो हम हाइट ले लेते हैं 35 mm का। हमें हाइट 35 mm लेना है तो हम लेंगे। पैंतीस mm के हाइट पे हमने डॉट लगा दिया है। 35 mm के हाइट पे हमने दो लाइन को ड्रॉ किया, अब दोनों को हम मिला देंगे। हाइट हमारा 35 है, रेशियो हमारा 7:4 है, तो हम 35 को जो 7 से भागा देंगे, डिवाइड जो हम इसको करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 5 mm। ठीक है, हम इस लाइन को 7 बराबर भागों में बांटेंगे, तो उसके हमें 5 mm की दूरी पे डॉट लगा देते हैं। दोनों साइड से डॉट लगाने के बाद और दोनों लाइन को जो है मिला देंगे। दोनों साइड में हमने डॉट लगा दिए, अब लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब नीचे भी हम 5 mm का डॉट लगाएंगे, उसके बाद जो वर्टिकल में हम लाइन खींचेंगे। हमने ऊपर और नीचे दोनों में डॉट लगा दिए हैं, उसके बाद दोनों डॉट को हम मिला देंगे तो हमारा जो है बॉक्स बन जाएगा। आप इस प्रकार से एक दो बॉक्स और बना लीजिए, उसके बाद ए से जेड तक लिखने का प्रयास कीजिएगा। ए से जो है जेड तक लेटर को लिखने के लिए हाइट जो हमने लिया था वह 35 mm लिया था, 5 mm के साथ बराबर भागों में हमने बांट दिया है, और रेशियो जो है हमारा वो 7:4 है। और हर एक वर्ड को जो हर एक लेटर को लिखने के लिए जो है एक ही रेशियो का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हम ए लिख रहे हैं तो हम ए के लिए जो है 7:4 का प्रयोग करेंगे,
बाकी में भी अलग अलग है, जैसे कि आई जे एम और डब्ल्यू। ये चार लेटर ऐसे हैं जिसको लिखने के लिए अलग अलग रेशियो का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई का, आई को लिखने के लिए 7:1 का प्रयोग किया जाता है, जे को लिखने के लिए 7:3 का प्रयोग किया जाता है और एम को लिखने के लिए 7:5 का प्रयोग किया जाता है, डब्ल्यू को लिखने के लिए 7:5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने बॉक्स को बनाया है, एक बॉक्स बनाने के बाद दूसरे बॉक्स, इस दोनों के बीच में 10 mm का गैप लिया है, इसी प्रकार से आप ले लीजिएगा। और अब जो है हम सिंगल स्ट्रोक में वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग को A to Z वर्ड जो है हमारा लेटर जो है उसको हम लिखेंगे 35 mm के हाइट में और रेशियो 7:4 में। कैसे लिखना है, 1 2 3 4 इसके अंदर में हमें लिखेंगे और इसका जो एक मिडिल है यानी कि हम चार घर ले रहे हैं, ए लिखेंगे सिंगल स्ट्रोक में तो वो बीच में आएगा हमारा यहाँ यानी कि 2 यहाँ पे। और आप वर्ड को जो लिखिएगा, लेटर को जो लिखिएगा वो HB या H पेंसिल का प्रयोग करके लिखिएगा। आप इसको लिखने के लिए स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। ए को हमने लिखा, उसके बाद जो हम बी को लिखेंगे, बी को लिखने के लिए हम एक घर को छोड़ के लिखेंगे यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे। तो बी को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक लकीर ले लेते हैं। हमने बी को लिखा, बी को लिखने के बाद एक घर हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो है दूसरा लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आप जो है इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। सेम इसी प्रकार से हम वर्ड को लिखते जाएंगे एक एक घर को छोड़ छोड़ के। आई 7:1 है इसीलिए हमने एक ही घर में इसको बनाया है। एम को जो है 5 घर में हमें बनाना है यानी कि 5 बॉक्स में, 2 3 4 5।
इस वीडियो में मैंने आपको सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग A2Z लिखने के लिए बताया है, जिसकी हाइट 35 mm है और रेशियो 7:4 है। इसमें कुछ स्पेशल वर्ड थे जैसे I, J, M, W, इनके अलग अलग रेशियो थे। I का 7:1, J का 7:3, M का 7:5, W का 7:5 था, जिसको लेके हमने इस लेटर को लिखा है।